नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है दीप का डेली ब्लॉग्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दिल से आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, जब से मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया था कि हमें कुछ ऐसा परफ्यूम दिखाइए या ऐसा कुछ परफ्यूम सजेस्ट कीजिए जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो कि सुबह हम उसे ऑफिस लगा के जाए और शाम तक हमारे कपड़ों में वो महके, या फिर अगर हम शाम को कोई इवनिंग पार्टीज में जा रहे हैं, अगर हमने शाम को 6 बजे उस फ्रेग्रेंस को अप्लाई किया है तो रात के 12-1 बजे तक वो लास्ट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, काम थोड़ा मुश्किल है पर देखते हैं, नामुमकिन तो नहीं। मेरे खुद के कलेक्शन से मैंने 3 ऐसे परफ्यूम निकाल के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ परफ्यूम का प्रोजेक्शन की बात करेंगे, लॉन्जिविटी की बात करेंगे और कब आप इन परफ्यूम्स को अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं उस विषय में बात करेंगे, ना कि हम इसकी प्राइस पॉइंट और इसका कॉम्प्लीमेंट्स कितना देती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 3 ऐसे परफ्यूम मैंने अपने कलेक्शन से निकाले हैं जो कि काफ़ी मुझे लगता है प्रोजेक्शन इसका अच्छा है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग शायद यही 3 परफ्यूम है। वैसे दोस्तों, काफ़ी सारे परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन ये जो 3 मैंने सिलेक्ट किया है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो नंबर 3 पे जो है वो है ये परफ्यूम दोस्तों। ये फ्रैंक ऑलिवियर कंपनी की तरफ से है, ऊद टच। बेसिकली ये एक ऊद बेस्ड परफ्यूम है। जिन लोगों को ऊद पसंद है वो ये परफ्यूम ट्राई कर सकते हैं। मैं समर के लिए बिल्कुल इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। ये कम्प्लीटली एक परफ्यूम है जिसे आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपके शहर में टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे है तो आप ये परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक टोटली ऊद बेस्ड परफ्यूम है। ये क्लोन है डियोर ऊद इस्पहान का और इसका जो प्रोजेक्शन है वो 6 से 7 घंटे का है। स्किन पे और कपड़ों पे भी लॉन्गजिविटी है अराउंड 10 से 11 घंटा। 10 से 11 घंटे बाद भी ये वैसे ही महकता है, लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस है, थोड़ा यूनिसेक्स है। आप चाहे तो इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो इसे इसे बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ब्लाइंड बाई करें। तो ये है नंबर 3 स्पॉट, फ्रैंक ऑलिवियर ऊद टच, जो मेरे कलेक्शन में सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग में से एक परफ्यूम है। दूसरे नंबर पर मैंने रखा है दोस्तों ये परफ्यूम को। ये है क्लब दिन हुई इंटेंस मैन अरमाफ कंपनी की तरफ से। जो लोग परफ्यूम रिलेटेड जानकारी रखते हैं या परफ्यूम यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सभी को पता है ये फ्रेग्रेंस कैसा है। ये फ्रेग्रेंस एक्चुअली में क्लोन है क्रीड एवेंटस का। मैंने जब अपने जर्नी की स्टार्ट की थी, ये परफ्यूम खरीदने का जर्नी जो था ये जब मैंने स्टार्ट किया था, तब शायद ये मेरी पहली या दूसरी परफ्यूम थी मैंने खरीदा था। उसके बाद मैंने ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने ये बॉटल परचेज किया। ये वैसे दोस्तों मेरी फर्स्ट बॉटल ही है, 2018 का बैच है ये। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों, ये क्लोन है एक बहुत मशहूर परफ्यूम का जिसका नाम है क्रीड एवेंटस। क्रीड एवेंटस का ये क्लोन है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट करती है। इसका प्रोजेक्शन भी करीब करीब 5 से 6 घंटे का है। लॉन्गजिविटी अराउंड 12 से 13 घंटे का, किसी किसी सिचुएशन में आपको 14 घंटे का भी मिल सकता है। इसमें वेदर का कोई कंडीशन नहीं है, आप समर विंटर कभी भी, आप डे नाइट कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लाइंड बाई भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही मशहूर परफ्यूम है, क्रीड एवेंटस उसका क्लोन है। इसका एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, ये परफ्यूम जो है ये 1 घंटा अगर आपने इसे अप्लाई किया, करीब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद आपको खुद नहीं लगेगा अपने परफ्यूम लगाया हुआ है। आपने आपको लगेगा कि ये परफ्यूम ऑलमोस्ट वैनिश हो गया आपके स्किन से या कपड़ों से, लेकिन ये वैनिश नहीं होता है दोस्तों। ये इसकी खुशबू जो है आपको नहीं आएगी पर आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उनको आती रहेगी और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते रहेंगे। दूसरा चीज़ है अराउंड 14 आवर्स की लॉन्गजिविटी है। 6 से 7 स्प्रे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्लब दे न्यू इंटेंस मैन अरमाफ की तरफ से ही ये मेरा EDT वर्जन है। वैसे इस परफ्यूम का बहुत सारा वर्जन है, परफॉर्म है आपका, EDP है, प्योर परफॉर्म है, बहुत सारा वर्जन है, लेकिन ये मेरा EDT है, क्लब द न्यू इंटेंस मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ। धन्यवाद। नंबर 1 पे है ये परफ्यूम दोस्तों। ये रसासी कंपनी की तरफ से है, ये है शुरा। ये एक बीस्ट है, ये एक एटम बॉम है बोतल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है दोस्तों। मेरे जो गुरुजी है जॉय अमीन सर, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, वो एक बहुत बड़े
यूट्यूबर है, एक वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूअर, तो उन्होंने इस फ्रेग्रेंस को बहुत हाइप किया, तो उनका चैनल जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। चैनल का नाम है जॉय अमीन, बांग्लादेश से रिव्यू करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने ये परफ्यूम को हाइप किया था एक टाइम पे। वैसे तो रसासी को थैंक्स बोलना चाहिए उनको, क्योंकि उनके वजह से पूरे विश्व ने इस परफ्यूम को जाना, काफ़ी सारे लोगों ने इस परफ्यूम को परचेज किया, और एक टाइम पे तो इसका सेल इतना बढ़ गया था कि रसासी ने इसकी प्राइस भी इंक्रीज कर दी थी। लेकिन ये परफ्यूम कैसा है, ये जलती हुई सिगरेट जैसी स्मेल करती है, स्मोकी टाइप की फ्रेग्रेंस है। जो प्रोजेक्शन है वो 7 से 8 घंटा आराम से ये प्रोजेक्ट करती है। ये इतनी कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं दिलाती है, लेकिन इसका जो लॉन्गजिविटी है वो 20 घंटा भी मिल जाता है। ये मैंने एक कपड़ा पे ऐसे ही स्प्रे करके रख दिया था कपड़ा, और 2 दिन बाद अगर मैं स्निफ करता हूँ तो उस कपड़े से सेम टाइप की स्मेल आती है। इसकी लॉन्गजिविटी इतनी बढ़िया है दोस्तों, बेहतरीन परफ्यूम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए एक जगह पे एक हॉल में एक पार्टी चल रही है, और आप ये परफ्यूम यूज़ करके, ये परफ्यूम को आप अप्लाई करके उस हॉल के अंदर गए हो, सारा जो अटेंशन है वो आपकी तरफ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगी, लेकिन ये परफ्यूम है ही इतना स्ट्रांग। लॉन्गजिविटी अगर आप बोले तो आपको 15 से 16 घंटा या 20 घंटे तक कोई कोई केसेस में आपको मिल जाएगी। गर्मी के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये भी एक विंटर परफ्यूम है दोस्तों, अगर आपके शहर में टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा 3 जो परफ्यूम है जो हाईएस्ट लॉन्गजिविटी है, जो इतना ज़्यादा लॉन्गजिविटी शायद ही और कोई परफ्यूम है मेरे कलेक्शन में दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही पेंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।